A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dear viewers and dear students, आज हमारा दूसरा लेक्चर है मिशू में प्रीवियस वार का इंशाल्लाह अल्लाह ताला थे यो वार चूंकि दुनिया से चूंकि से वबई बीमारी या कोविड 19 जो है कोरोना वायरस सोए ची यो एक मसल कि पहले घरों में भी हो फुजूल में नहीं हो सड़कों पे नहीं आए कुंज जाए कि तो बीमारी चूंकि दुनिया से तब ही कब है अल्लाह ताला थे यो वार घर भी हो तो बेकर अल्लाह ताला से दुआ कि ये बीमारी के ज़्यादा से ज़्यादा दूर ताकि हमारी ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौट आए और हम फिर से सुकून आए अब अपने काम काज शुरू करें तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के लिए है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एजुकेशन कैसा ज़रूरी है सान खतर में इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है Education is very important for the progress of individual and society. For the progress of individual and society, education is a society, 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 a society
जाए। ये एजुकेशन है, ये एजुकेशन ही है जिसकी वजह से हमारी लाइफ कल्चर है, सिविलाइजर होती है और हम तरक्की करते हैं और हमारी डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन बिगिंस एट होम एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। एजुकेशन जो है ये घर से शुरू होती है, एजुकेशन हमारे घरों से शुरू होती है और ये पूरी जिंदगी चलती रहती है। और यानी हम अपनी या हम या एक इंसान पूरी जिंदगी में कुछ न कुछ सीखता रहता है। एजुकेशन इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एक इंसान की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन इज हिज बेस्ट फ्रेंड। एन एजुकेटेड पर्सन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। तो शुभ बात है, तू शुभ पूछा तू किस सोसाइटी से मांस कि आप एजुकेटेड इंसान हो शुभ इमेज से प्राप्त जाय रेस्पेक्ट के बगैर यहाँ पर ये सोसाइटी में अगर आप एजुकेटेड पर्सन हैं तो इस तरह मशहूर पर्सन और इस तरह बाय इज्जत करा। ये एजुकेशन के ही वजह से है कि एक इंसान को, एक एजुकेटेड पर्सन को अपनी सोसाइटी में या हर एक जगह रेस्पेक्ट होती है, रेस्पेक्ट मिलती है। टुडे एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। अगर हम आज की बात करेंगे तो एजुकेशन इट इज ये जरूरत है इन एवरी एंड ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी, ये जरूरी है हमारे लिए कि हम तालीम याफ्ता हो, हम एजुकेटेड हो। क्यों? इफ वन एम्स टू बिकम, अगर एक इंसान डॉक्टर बनना चाहे चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है या कोई भी रेस्पेक्टेबल जॉब या रेस्पेक्टफुल पोजीशन हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसको पहले एजुकेशन हासिल करनी है। एजुकेशन के बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो एजुकेशन हासिल करेगा तभी वो डॉक्टर बनेगा, तभी वो इंजीनियर बनेगा, तभी वो लॉयर बनेगा या तभी वो कोई रेस्पेक्टफुल पोजीशन हासिल कर सकेगा। गुड एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ बेटर फील्ड। जहां तक एजुकेशन की बात है, एक अच्छी एजुकेशन जो है इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ बेटर फ्यूचर। इट हेल्प्स अस टू डेवलप ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन जो है ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है और ये अच्छी एजुकेशन इंसान को आगे ले जाने में मदद करती है और इंसान जिंदगी में कामयाब होता है और इंसान को अपनी शख्सियत बेहतर बनाने में एजुकेशन यानी तालीम मदद करती है। जहां तक एरिस्टोटल का ताल्लुक है, एरिस्टोटल ने कहा है एजुकेशन आर एज मच सुपीरियर टू द अनएजुकेटेड एज द लिविंग ऑफ टू द डेड। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब है, सो फार एज एरिस्टोटल इज कंसर्न, अगर आप मर्द इंसान हो तो जिंदा इंसान हो, दोनों दरमियान कौन सा फर्क है?
या आप खुद ही समझ सकते हैं एक जिंदा इंसान और एक मुर्दा इंसान में कितनी फर्क है, वही फर्क एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के दरमियान है। एजुकेटेड अनएजुकेटेड इस मंस तीसरी फर्क तीस फर्क की चाहे कि जिंद इंसान इस तो एक इस मुमदिस इंसान इस मंस आसान जो जिंद तो मुमद अगर इस कंपेयर करो तो चाह फर्क चो इसका अंदाज़ आप खुद ही लगा लीजिए। इसी तरह एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड इंसान पर्सन है इट इज द एरिस्टोटल्स व्यू। और एक ग्रेट पॉलिटिकल लीडर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला, उसका क्या कहना है, वो कहता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज सच अ टाइनी अक्सर पावरफुल वेपन, एक ऐसा पावरफुल हथियार आपके पास एजुकेशन है जिससे आप पूरी दुनिया में चेंजेस ला सकते हो। सॉरी दुनिया की चेंज करे तू यार तुम किस पूछा जो तुम बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स आए बनाना, तुम बड़े बड़े चीज आए बनाना, जहाज आप बनाना, कंप्यूटर बनाया गया या कौन सा तरक्की में दुनिया सर, इट इज विद दिस एजुकेशन विद हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से दुनिया में ये चेंजेस हुई। तो जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है इसकी इंपॉर्टेंट समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है चाइल्ड इज हेल्पलेसनेस। इसका क्या मतलब है, जब एक इंसान पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हैज नीदर एनी फ्रेंड नॉर एनी एनिमी, न चाहे इंसान उसका दोस्त आसा न उसका दुश्मन आसा, इवन ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, उसको किसी चीज के बारे में पता नहीं होता है। इस तरह बच पानी माज जमा छ या इंसान पानी माज जमा छ इमे छ कुन ते चीज कहीं आसा पता न छ दोस्त आसा का न छ दुश्मन आसा का, तेल क्या छ जरूरत उसके लिए जरूरत है ही नीड्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, उसको उस वक्त ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत है ताकि उसको अच्छे और बुरे में वो फर्क कर सके। तेमिस तरह के असल क्या छ खराब क्या छ दुनिया असल की सोच एडजस्ट कर सो ते दुनिया असल की सोच रोजुन। ही वुड डाई सून इफ नॉट प्रॉपर्ली लुक्ड आफ्टर, इट इज एजुकेशन दैट ही लर्नस टू गेट द फूड एंड टू, ये छ एजुकेशन यम से तस फिक्र छ करा कि मे के पोच दुनिया असल रोजुन, मे के पोच लुकन से बात बिहुन, मे के पोच नि बुरे चीजों से किस तरह मुझे दूर रहना है और कैसे मैं बच सकता हूँ बुरे चीजों से, बुरे और अच्छे में फर्क कैसे कर सकता हूँ, ये एजुकेशन की वजह से ही है। जब हम उस बच्चे को ट्रेन करेंगे उसको एजुकेशन देंगे तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ तरक्की करेगा, उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी और वो अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखेगा। अच्छा दूसरा पॉइंट जो इसमें है वो है स्पेशल कैपेसिटी फॉर लर्निंग। स्पेशल कैपेसिटी फॉर लर्निंग, स्पेशल कैपेसिटी फॉर लर्निंग। अगर हम एक इंसान की बात करेंगे आप इंसान जो आसान यूज द क्रिएटिव यम द चीज दुनिया से खुदा से बन गई अल्लाह ताला को दुनिया बहुत दुनिया में और इंसान बनो बाकी क्रिएचर्स बने, लेकिन जो इंसान है इसको क्राउन ऑफ ऑल क्रिएचर कहा गया है एंड ही इज गिफ्टेड विद स्पेशल कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। इंसान इज दू अल्लाह ताला पावर एंड इज दू दिमाग एंड इज दू अकल अल्लाह ताला मैन इज अ सोशल एनिमल इमिस मन छ दिस अल्लाह ताला अकल तो ये छ टाइम के साथ साथ ये सीखता रहता है। तो एक इंसान में जो ऐसा कैपेसिटीज पोटेंशियलिटीज इसके अंदर कैपेबिलिटीज होते हैं और उन कैपेबिलिटीज को बाहर निकालना उनकी डेवलपमेंट करना उनको आगे लेके चलना इट इज द एजुकेशन दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज पावर्स एंड पोटेंशियलिटीज। ये जो एजुकेशन यूजिंग इस इंसान की मदद करना कि इमिस मज गैस आरोन डेवलपमेंट इमिस मज गैस इमिस मज पोटेंशियलिटीज ब्रूम पकड़े ये इंसान हेच दुनिया से ये अच्छे और बुरे कामों और चीजों में फर्क करना सीखेगा। तीसरा पॉइंट जो है दैट्स कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। सबसे अहम पॉइंट है दैट्स कैरेक्टर। जब एक इंसान
एक पर्सन का कैरेक्टर ठीक होगा तो उसको दुनिया में इज्जत मिलती है और उसको आखिरत में भी इंशाल्लाह इज्जत मिलती है। कैरेक्टर जो सारे बना हम पे ये एजुकेशन जो सोए कैरेक्टर बिल्ड कर, इट इज एजुकेशन दैट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मोल्डिंग कैरेक्टर इन व्हिच इंक्लूड्स इंस्टिंक्ट्स इमोशंस सेंटीमेंट्स हैबिट्स पर्सनालिटी भौगोलिक और हार्मोनियस डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट व्हिच इज फिजिकल डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इमोशनल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट एंड एस्थेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी या पर्सनल डेवलपमेंट। तो इस एजुकेशन की वजह से हमारा कैरेक्टर मोल्ड होता है और हमारी पर्सनालिटी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। चौथा पॉइंट जो इसमें है वो है basis of good life, basis of good life. Education provides the basis for good life. Education is only the process which modifies our behavior. Education has provided base for good life. Education is what is our बिहेवियर मॉडिफाई होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। आप इंसान जो बना है चाहे इंसानियत, एक इंसान के इंसानियत सीखता है विद हेल्प ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से एक इंसान का बिहेवियर मॉडिफाई होता है और वो और सच्ची हिचा इंसान। एजुकेशन इज टू ह्यूमनाइज ह्यूमैनिटी एंड इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है, एजुकेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। नो नेशन कैन मेक प्रोग्रेस विदाउट गुड लीडर। कोई भी मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता है जब तक वो उसका लीडर अच्छा हो, जब तक उसका लीडर अच्छा हो। गुड लीडर्स आर नीडेड इन एवरी फील्ड। अच्छे लीडर की जरूरत हर एक फील्ड में है, चाहे वो पॉलिटिकल फिगर हो, सोशल सर्विस हो, रिलीजन हो, एवरी फील्ड में एक अच्छे लीडर की जरूरत है फॉर द एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ताकि मुल्क की तरक्की के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत है। एंड एजुकेशन प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग फॉर द लीडरशिप फॉर द एजुकेशन इन से गुड लीडर्स पौधे गसा तो कंट्री से तरक्की करा। एंड कुछ और चीजें मैं बताना चाहता हूँ सो फार एज द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान से भी ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है एजुकेशन। दफा एक इंसान दौलत सुन एक इंसान के पास दौलत होती है, सोना होता है, ये इंसान को इन दोनों चीजों को कम होने या खो जाने का डर रहता है। लेकिन अगर यही दौलत अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो कभी कम नहीं होगा और ना इस दौलत को हमसे कोई चोरी कर सकेगा। नंबर दूसरा पॉइंट है एजुकेशन या नॉलेज वो इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट है जिसका यानी जिसका डिविडेंड मतलब होता है मुनाफा, जिसका मुनाफा जिंदगी के आखिर तक मिलता रहता है। एजुकेशन ऐसी से इन्वेस्टमेंट है ये वो मुनाफा ऐसी जिंदगी मेला। फॉर एग्जाम्पल अख बादशाह मुल्क तुम सह मुल्क इमक लूकन तुम सजा तम सूख अगर असल बादशाह मुल्क लूख तारीफ कर। लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं यानी महान दुनिया से जो जा चुके हैं यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन की मिसाल में दूंगा, शेक्सपियर की मिसाल में दूंगा, तुम इंसान को अपनी नॉलेज और अपनी एजुकेशन के बल पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो तुम निश्चित एजुकेशन का चूर्ण तेज नॉलेज जो तुमने है और अपनी नॉलेज के बल पर
वो लोग पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दो चीजें हैं जिंदगी में, जिंदगी में जैसे चीज बोलते आपने साथ साइकिल चलाओ स्ट्रॉन्ग वाली यानी तैरना और साइकिल चलाना, ये इंसान ये दो चीजें इंसान कभी नहीं बोलता है। ये इंसान उनसे चीज है पांच चीजें से डर हो सकते। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों बचपन समझिए लॉकेट से आसान दरिया उस आसान स्नान करने का आसान हम नहाने जाते हैं वहां पर तैरना हम सीखते हैं। तो पता गया इस डर हुए पढ़े हुए दरिया उस पर आसान में हुई हुए अश्चिनी डर आसान की खबर ऐसा आज मुश्किल हो गई स्नान वाले तो हम बिल्कुल आसानी से के साथ तैरना तैरते हैं। फिर हमें इसका डर नहीं रहता है कि हमें ये चीज याद है या नहीं है। वेपन्स मोनी आजकल दुनिया में चल रहा है सामान जो वेपन्स मोन दौलत ये इंसान को पावरफुल नहीं बनाता है। तो इंसान को क्या पावरफुल बनाता है? अगर बनाती भी है अगर इंसान ये दौलत ये वेपन पावरफुल बने तो मतलब कि इस वापस कर यूटी दौलत यूज गेस या ये वेपन यूज गेस तो इंसान की ताकत कौन है मतलब दौलत आज होगी तो कल नहीं होगी कि लेकिन इल्म यानी एजुकेशन नॉलेज इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये रोजी से मरने के नमस्ते मरने के कारण से या मर मरने के बाद इस दुनिया से चले जाने के बाद भी इंसान को अपनी नॉलेज की वजह से याद किया जाता है अच्छे काम की वजह से याद किया जाता है। एजुकेशन पहले मैंने बताया अपने घर से शुरू होती है और पूरी जिंदगी चलती रहती है यानी इंसान पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। एजुकेशन की अहमियत हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इट इज द एजुकेशन इट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन ये एजुकेशन की अहमियत है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है या हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशन एक इंसान के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे इंसान अपनी जिंदगी में कामयाब होता है या कामयाब हो सकता है और बुलंदियों को छू सकता है। यह एजुकेशन ही है जिसे इंसान एक इंसान बुलंदियों को छू सकता है या बुलंदियों पर पहुंच सकता है या नाम कमा सकता है। अच्छी एजुकेशन बहुत जरूरी है इंसान को आगे ले जाने के लिए और जिंदगी में कामयाब होने के लिए। अच्छा एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन से इंसान में कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब एक इंसान एजुकेशन हासिल करता है तो उसके अंदर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस पैदा होता है और इंसान अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए मदद देती है या एजुकेशन से मदद मिलती है। ये है लीडर इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मुख्तसर सा मैंने यहाँ पे बताया कि हमारी जिंदगी में एजुकेशन की क्या अहमियत है और हमारी जिंदगी में एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन एजुकेशन हासिल करो हम उस वाइल्ड एनिमल की तरह है जो जंगल में होता है। तो कोशिश करो एजुकेशन करो हासिल तालीम पर घर बेहद घर बच्चों मेरी आखिर पर आपसे यही मैसेज है कि घर में बैठकर टीवी मत देखो न्यूज पूछो वहां खेलो लेके किताबों पर बैठो किताबें पढ़ो याद करो आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं और इनसाइड गेस होता है इससे आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी इससे आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी एजुकेशन से यूता पढ़ो यूता छो बोनस होगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।